नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो जो वर्ड इकाइनोडर्मेटा है वो टू वर्ड्स से आया है, इकाइनो मींस स्पाइंस एंड डर्मेटा मींस स्किन। तो जो ऑर्गेनिजम्स जिनकी एक्टोडर्म पर या हम कह सकते हैं जिनके स्किन पर स्पाइंस है, तो उन्हें इकाइनोडर्मेटा में इंक्लूड किया गया है। एक्टोडर्म बेयर स्पाइंस। मराइन ऑर्गेनिजम्स है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, दैट मीन्स जर्म लेयर्स आर थ्री, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। सिलोमेटा, सिलोम इज प्रेजेंट। और जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स है वो रेडियली सिमेट्रिकल है। रेडियली सिमेट्रिकल मतलब किसी भी प्लेन में हम उनको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो लार्वा होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। देन एक्सोस्केलेटन में इनके कैलकेरियस हैवी प्लेट प्रेजेंट है, कैल्शियम की प्लेट प्रेजेंट है, और इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है ऑसिकल्स। माउथ जो है वो लोअर साइड पर प्रेजेंट है एंड एनस जो है वो अपर साइड पर प्रेजेंट है। देन वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, रेडिएटिंग ट्यूब लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड ट्यूब फीट जो है, इट इज फॉर लोकोमोशन, कैप्चरिंग फूड एंड रेस्पिरेशन। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड सब्सटेंसेस, रेस्पिरेशन। देन इनमें एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट है। सेक्सेस आर सेपरेट विथ फाइव पेयर ऑफ सेक्स ऑर्गन, वन पेयर इन ईच आर्म। फर्टिलाइजेशन जो है वो यूजुअली इन एक्सटर्नल है, एनवायरनमेंट में है। देन लार्वा जो तैयार हो रहा है दैट इज फ्री स्विमिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें या कौन से ऑर्गेनिजम्स इसमें से इसमें इंक्लूडेड है, तो स्टारफिश, सी अर्चिन, सी लिली, सी कुकुम्बर, ब्रिटल स्टार, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो अगर हम एक बार फिर से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इकाइनो डर्मेटा, इकाइनो मतलब स्पाइंस, डर्मेटा मीन्स स्किन। इन एनिमल्स में एंडोस्केलेटन जो है वो कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना हुआ है, इसलिए इन्हें इकाइनो डर्मेटा नाम दिया गया है। स्पाइनी बॉडी है इनकी। मराइन ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। रेडियली सिमेट्रिकल है एडल्ट्स, और लार्वा जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, सीलोम प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है विथ माउथ ऑन द लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड। देन इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है। एक्सक्रेटरी सिस्टम एब्सेंट है। डायोशियस है ये। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, बॉडी के अंदर नहीं हो रही है, फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं हो रही है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। यहाँ पर हम देखेंगे स्टारफिश का स्ट्रक्चर, जिसमें कि एनस, गोनेड्स नजर आ रहे हैं हमें, स्टमक नजर आ रहा है, सेंट्रल रिंग कैनाल नजर आ रही है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टारफिश। यहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, सी स्टार, ब्रिटल स्टार,
फेदर स्टार, सी अर्चिन जो आपने 9th क्लास में भी स्टडी किया है. देन नेक्स्ट है फाइलम हेमीकॉर्डेटा. हेमीकॉर्डेटा, हेमी मीन्स हाफ, तो पॉसेसिंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्डेटा. अर्लियर इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा. तो इसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मराइन ऑर्गेनिजम्स आते हैं. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है. बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक है. सिलोम इज प्रेजेंट, सिलेंड्रिकल है. नाउ द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप है, मीन्स ब्लड इज डायरेक्टली पोर्ड इन द बॉडी, ब्लड वेसल्स आर एबसेंट. रेस्पिरेशन गिल्स से होती है. एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो है वो प्रोबोसिस ग्लैंड है. डायशियस है, सेक्सेस आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में नहीं होता है, इंटरनल नहीं होता है, एक्सटर्नल है. दैट इज द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. एग्जाम्पल जो है इसका बेलेनोग्लॉसिस. थैंक यू.